एक तरफ जहां सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करा उनको हर महीने सस्ते गल्ले की दुकान से राशन देती है, लेकिन अभी भी सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। कई ऐसे गांव हैं जहां के लोगों को पता ही नहीं राशन कार्ड क्या होता है और राशन कैसे मिलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाँव है अचलगढ़, जहाँ पे पुश्तों से लोगों को राशन मिल ही नहीं रहा। इसके सबसे प्रभावित व्यक्ति हैं दयाराम जी। बताइए, यहाँ पे राशन मिलता है सभी को? नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे कुल कितने लोग रहते होंगे? यहाँ तो लगभग कुछ आदमी 300 से ऊपर है। कब कितने सालों से राशन नहीं मिल रहा है? बहुत पहले से नहीं मिलता है, आजा पर पाजा के सामने समस्या से। राशन कार्ड आप लोग देखे हैं? राशन कार्ड किस तरह का होता है? जब हम लोग को मिला नहीं है तो हम लोग कैसे बताएं कि कैसा रहता है। अब हमन के तो यह चाहल जात बा कि हमन के मिले राशन कार्ड। हमन के केवल 2 वोट देने का जिम्मेदार है, एक MP का, एक MLA का, और कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। राशन तो हमन के नहीं पावत है, मतलब बहुत दिन से नहीं मिला था, खाली मिट्टी तेल भर मिला था, कुछ नहीं। बहुत दिन से? कितना दिन से लगभग? 10 हो गई, नहीं जानते कि मिट्टी तेल भर खाली पावत है। राशन कार्ड बना आप लोगों का? नहीं, राशन कार्ड नहीं बना, खाली मिट्टी तेल भर मिला। राशन हमन के मिले, सुविधा मिले, कौन सुविधा नहीं बा हमन के, जंगली समझ के सब नहीं मिला था। आप कौन से ग्राम सभा में रहते हैं? ग्राम सभा में बटले नहीं बा। कौन सा गांव है ये? तो अचड़गढ़ नर्सरी है, निपतवा गांव है, समझ ले। यहां पे राशन सबको मिलता है? यहू को नहीं मिला ला। कितने सालों से? बहुत दिन से हमें राशन फासन कबू नहीं मिला ला, नर्सरी है नहीं। मैं चाहता हूं अचलगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को राशन कार्ड मिले। इसके लिए आप लोग सीधे मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज को फोन करें, उनके ऊपर दबाव बनाए। उनका नंबर है 055-22-237-237। मैं संजय कुमार, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।